चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th कॉमर्स के बाद क्या किया जाए। जी हाँ, आज डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली जो भी कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं जिन्होंने भी क्लास 10th के बाद कॉमर्स ली थी, 11th 12th अपनी कॉमर्स स्ट्रीम्स उन्होंने कंप्लीट करी है और 12th में आकर बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए हैं या फिर एक दो पेपर बचे हैं होने ही वाले हैं और इस कंफ्यूजन में हैं कि 12th कॉमर्स के बाद हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कौन सा हमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर डिग्री लेनी चाहिए, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हम कर सकते हैं, मतलब ए टू जेड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए डिटेल्ड वीडियो होने वाला है जहां पर तीनों फ्रंट, तीनों एरियाज में कवर करने वाला हूं। डिग्री कोर्सेज कौन सा करें, क्योंकि 12th के बाद डिग्री कोर्सेज करना कंपल्सरी है इंडिया में। जी हां, अगर आपको स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो डिग्री कोर्सेज करना जरूरी है। प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन से पॉपुलर हैं डिस्कस करने वाले हैं, प्लस अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में तो वो कौन कौन से हैं आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सीधा चलते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले देखेंगे डिग्री कोर्सेज। देखिए इंडिया में 12th के बाद डिग्री कोर्सेज ऑलमोस्ट कंपलसरी है करना। डिग्री कोर्सेज अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो 3 साल के होते हैं। जी हाँ, 12th के बाद जो आप 12th के बाद 13 क्लास बोलते हैं उसको फर्स्ट ईयर बोला जाता है, 14 को सेकंड ईयर, 15 को थर्ड ईयर। दैट मींस 12th के बाद 3 साल का आप बच्चों को अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ता है, यूजी कोर्स करना पड़ता है, राइट। देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, बीकॉम पास कोर्स जो ऑब्वियस सी चॉइस रहती है, 90 या 95% ऑफ द बच्चे जो कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं वो है बीकॉम। बीकॉम दो तरीके से हम कर सकते हैं, बीकॉम पास कोर्स, पास कोर्स और एक ऑनर्स, दो चीजें हैं। देखिए जल्दी जल्दी, मैं बहुत डिटेल वीडियो पहले ही इन दो टॉपिक्स पे बना चुका हूं, पास कोर्स में भी और ऑनर्स में भी। आप सर्च कर सकते हैं बीकॉम बाय सुनील अधिकारी, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए पास कोर्स में आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका नहीं मिलता है, ऑनर्स में आपको किसी भी एक टॉपिक में, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, इन सारे सब्जेक्ट में डीप स्टडी करने का या एज अ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आपको चूज करने का मौका मिलता है, ऑनर्स पास कोर्स में नहीं मिलता, राइट। तो ये दो ऑप्शन है, बीकॉम पास कोर्स आप कर सकते हैं या फिर आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? थर्ड ऑप्शन बीबीए, एक 12th कॉमर्स का बच्चा बीबीए ऑप्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास 12th में मैथ हो, बिना मैथ के भी बीबीए करा जा सकता है। बीबीए में मैथ होती है, जी हाँ, एक सब्जेक्ट आपके आएगा फर्स्ट या सेकंड ईयर में, डिपेंड करता है किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, अलग अलग कोर्स करिकुलम या सिलेबस होता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट आएगा बिजनेस मैथमेटिक्स, इतना हार्ड नहीं होगा, इतना टफ नहीं होगा। बहुत बार क्वेश्चन रहते हैं कि सर बीबीए में मैथ आती है क्या? आती है, लेकिन बहुत ही मीडियम लेवल की, एवरेज लेवल की, क्योंकि बीबीए ऐसे लोग भी कर रहे हैं जिनका मैथ नहीं थी, ऐसे भी कर रहे हैं जिनका मैथ थी। तो ऐसे बच्चों के लिए या ऐसा करिकुलम में सेट करा गया है मैथ को कि वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, नॉन मैथ वाले बच्चे भी उसको क्लियर कर पाए। यस, चलिए फोर्थ ऑप्शन आता है आपका बीसीए। अगर कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिन बच्चों को भी कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है बीसीए वो कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीबीए की फुल फॉर्म क्या थी? बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम की बैचलर ऑफ कॉमर्स। यस और नो? चलिए बीएचएम होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। अगर आपको होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना है अपना, राइट, एज अ कुक बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, बहुत सारी पोजीशंस होती है, इस पर भी मेरा डिटेल वीडियो बीएचएम बाय सुनील अधिकारी डाल लेंगे तो उस पर पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा। तो आप बीएचएम होटल मैनेजमेंट सेक्टर में भी, जो कि बहुत ही बूमिंग सेक्टर है, बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं 12th के बाद ही, बीएचएम कोर्स भी आपका 3 साल का होता है, तो आप इस लाइन में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। यस और नो? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इंटीग्रेटेड एलएलबी, इसको एलएलबी इंटीग्रेटेड भी बोलते हैं। दैट मींस 12th के बाद जब आप एलएलबी करते हैं तो उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड या 5 ईयर एलएलबी। एक होता है 3 ईयर, एक होता है 5 ईयर, दोनों के बीच में डिफरेंस का वीडियो है, देखना मत भूलिएगा। किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो सिंपल सा टॉपिक का नाम बाय सुनील अधिकारी, राइट।
LLB by सुनील अधिकारी। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो भी वीडियोस आप चाहें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, राइट। LLB 5 साल का 12th के बाद आप कर सकते हैं। 12th के बाद जब आप करते हैं तो स्ट्रीम, जैसे आप कॉमर्स के हैं तो BCom LLB है, BBA LLB है, BA LLB है, 5 साल का ये कोर्स का करिकुलम रहता है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, BCom के बाद LLB करते हैं, तो वो 3 साल का पड़ता है। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये अब LLB लाइन में, लॉ लाइन में जाना है जिन बच्चों को, तो वो LLB इंटीग्रेटेड 5 साल का कर सकते हैं, यस और नो? चलिए, BJMS बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिनको भी न्यूज एंकरिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स जिनकी बहुत अच्छी है, सुपीरियर है, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग लाइन में एंट्री लेनी है, दैट इज अ कोर्स फॉर यू। BJMS आप BJMS कर सकते हैं, 3 साल का ये भी डिग्री कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो डिप्लोमा भी होता है लेकिन हम डिग्री कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो आप डिग्री ले सकते हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, राइट। चलिए, BVOC बैचलर इन वोकेशनल स्टडी, मेरा पिछला वीडियो, 3-4 वीडियोस पहले ही मैंने BVOC के ऊपर वीडियो बनाया है, वो देखना मत भूलिएगा। BVOC बाय सुनील अधिकारी डाल दीजिएगा, आ जाएगा आपके पास। BVOC वोकेशनल कोर्स है, दैट मींस यहां पर इंडस्ट्री ट्रेनिंग को ज्यादा फोकस करा जाता है। 70-60% आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है और 30-40% आपका क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनकी जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि यहां पर BVOC करने के बाद ही आपकी, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा है तो जॉब मिलने में ईजी रहता है आपको, राइट। और बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया एडवांटेज ये भी है कि आपको 1 साल बाद अगर आप ड्रॉप कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सर्टिफिकेट कोर्सेज लेकर भी डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको कि आपने डिप्लोमा करा है, तो वो ले सकते हैं। 1 साल बाद भी डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल या सेकेंड ईयर में छोड़ते हैं तो एडवांस डिप्लोमा मिलता है, अगर 3 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिल जाती है। तो इसके मैं मेरे बेनिफिट बता रखे हैं BVOC का, जब मैंने वीडियो बनाया था, तो वो देखना मत भूलिएगा, राइट। चलिए, 9th इज योर बैचलर इन एजुकेशन, अगर आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, 12th के बाद एज अ टीचर प्रोफेशन में एंट्री लेनी है, तो BEd इज द कोर्स फॉर यू। 10th नंबर पे BPed फिजिकल एजुकेशन लाइन में, जिनको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना है, BPed आप 12th के बाद कर सकते हैं। देखिए कितने सारे, नियर अबाउट 10 कैरियर ऑप्शन है, और बच्चे पूछते हैं सर मैं किस लाइन में जाऊं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, राइट। सब कुछ है, राइट, आपको सिर्फ अपना, वो पिछले वीडियोस जो थे मेरे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको अपना गोल कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोई भी कैरियर स्ट्रीम चुनने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तब आपको 12th के बाद कोई भी चीज़ करनी चाहिए, 10th के बाद कोई भी चीज़ करनी चाहिए। तो आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत भी रुझान है, तो आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। जो भी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, जिस भी आपको जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, उससे रिलेटेड जो भी कोर्स बेस्ट लगता है वो ऑप्ट करिए और उसमें बेस्ट बनिए। अगर आपको गोल क्लियर नहीं है, तब भी जो भी प्रोफेशन आपने ऑप्ट करा है उसमें बेस्ट बनिए, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखने लग जाएगा। सिंपल सा फंडा है लाइफ का। चलिए आगे देखते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज। अब ये कोर्सेज आप इन नॉर्मल डिग्रीज के साथ भी कर सकते हैं, या करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12th के बाद सिर्फ आपने प्रोफेशनल कोर्सेज कर लिया, नहीं, ये डिग्रीज का अल्टरनेटिव नहीं है, इनमें कोई भी डिग्री नहीं है, इनमें कोई भी डिग्री नहीं है। इसलिए आपको BCom करना पड़ेगा, या फिर BBA करना पड़ेगा, या BCA, या LLB, या BEd, या BPed, इनमें से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, और उसके साथ ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सारी चीजें नहीं, एक या दो चीजें, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वन बाय वन। CA बन जाए तो CS बन जाइए, CA अगर बन जाते हैं आप 4 साल में, उसके बाद CS के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, CS जब बन जाए तो CFA CA में, बहुत सारे ऑप्शंस, राइट। सबसे पहला है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत ही पॉपुलर रेनॉन प्रोफेशन है। CA की पढ़ाई कर सकते हैं, 4 इयर्स आपको लगते हैं नियर अबाउट 12th के बाद, अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक होता है CA, कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट MBA का, उस लेवल का होता है हमारा CA एग्जामिनेशन। चलिए सेकेंड लाइन, CS कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। रिलेटिवली CA से थोड़ा सा इजी पड़ता है, ये CA से थोड़ा सा इजी पड़ता है, थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा है, लॉ का पार्ट इसमें ज्यादा है, याद करने वाली चीजें, टर्म्स को रिटेन करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है इसमें, तो आप CS भी कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, राइट। हर कंपनी में कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी होता ही होता है, जो लीगल नॉलेज प्रोवाइड कराता है ओनर्स वगैरह को, राइट, अपने डिपार्टमेंट्स के हेड को। तो CS प्रोफेशन में भी आप एंटर कर सकते हैं। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी एक पॉपुलर कोर्सेज है जिसको आप कर सकते हैं। CFA फाइनेंशियल एनालिस्ट, राइट, CPA पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। तो ये 5 कोर्सेज हैं
हैं जो आप कर सकते हैं। बेसिकली सबके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आपको सिर्फ नाम लिखना है बायस सुनील अधिकारी, तो आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी हर एक। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज की डिटेल नॉलेज आपको देने लग जाऊंगा, राइट। तो आपको ओवरव्यू दे देता हूं क्योंकि इनमें मेरे पहले से ही वीडियो बने हुए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इनके साथ भी कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल सी बात है, अब थोड़ा सा एडेड थोड़ा सा मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं। देखिए सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, इसके साथ आप अगर बीकॉम के साथ ये करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। होटल मैनेजमेंट लाइन के साथ ये कोर्सेज कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि होटल मैनेजमेंट लाइन बिल्कुल अलग चले जाएगी। लॉ की लाइन अगर आप ठीक ठाक है, क्योंकि लॉ की लाइन के साथ आप सीएस कर सकते हैं, थोड़ा मैच करेगा, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल बीकॉम के साथ आप सीए बहुत अच्छा मैच करता है, सीएफए और सीएमए मैच करते हैं या सीपीए भी मैच करता है, राइट। क्योंकि वो फाइनेंस और अकाउंटिंग वाली लाइन के साथ अगर आप करेंगे तो आपका एक तो जो आप बीकॉम में पढ़ेंगे वही कहीं ना कहीं आपको सीएमए, सीएफए में, सीएमए में और सीपीए में मदद करेगा, सेम इंटर रिलेटेड चलेगा आपका, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। बीपीएड बिल्कुल अलग लाइन है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में, तो फिर ये करने का कोई मतलब नहीं है। बीएड वगैरह में भी ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। बीवोक के बाद आप सीएस वगैरह सीएमए वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। बीजेएमएस के साथ ये सब का कोई लॉजिक नहीं बनता है, राइट। मतलब ये फाइनेंस अकाउंटिंग लाइन है। अच्छा सिंपल सा मैं बता दूं, ये किनको करना चाहिए? उनको करना चाहिए जिनका फाइनेंस और अकाउंटिंग पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। स्ट्रांग नहीं है तभी तो आप ये सब करेंगे। अगर स्ट्रांग है बीकॉम करिए और बीकॉम के साथ ये आप कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सर बीपीएड कर लिया मैंने उसके बाद क्या मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन चेंज हो जाएगी आपकी, राइट। अगर इंटरेस्ट है अकाउंटिंग और फाइनेंस में तो बिल्कुल आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, यस और नो। चलिए डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। अब बच्चों को डिग्री के साथ या फिर प्रोफेशनल कोर्स करते वक्त उनके साथ एडिशनल कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज करने। देखिए सर्टिफिकेट कोर्सेज 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक होता है, डिप्लोमा कोर्सेज भी 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स तक आपके होते हैं, तो आप कोई सा भी इनमें से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। पूरा बच्चों क्लियर? पॉलिटेक्निक में आप अपना एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, 12th के बाद ये होता है, बहुत ही अच्छा है। बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलती है, ये भी वोकेशन का ही पार्ट है जहां पर आपको ट्रेनिंग के बाद जॉब लगा दी जाती है आपकी। तो आप 12th के बाद डायरेक्टली ही 10th के बाद ITI कर सकते हैं, 12th के बाद पॉलिटेक्निक का आप कोर्स कर सकते हैं। इस पर भी मेरा वीडियो है, वो भी देखना मत भूलिएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, DCA, ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब कोर्सेज हैं कंप्यूटर लाइन के जो आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कर सकते हैं। थर्ड आता है डिजिटल मार्केटिंग। बहुत कुछ आपको इंटरनेट से जुड़ी टर्मोलॉजी, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टर्मोलॉजी की नॉलेज दी जाती है। डिजिटल मार्केटिंग का भी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। फोटोग्राफी में अगर आपको इंटरेस्ट है, एज अ पैशन परस्यू करना चाहते हैं, तो बोथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। चलिए एनिमेशन, एनिमेशन वगैरह में आपको गेमिंग और एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर भी सर्टिफिकेट और एनिमेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिक्स्थ इज योर डिजाइनिंग, अगर आपको इंटीरियर, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। अगेन वापस बता देता हूँ, डिग्री कोर्सेज करना बच्चा कंपलसरी है। डिग्री कोर्सेज के साथ साथ ये कोर्सेज भी आप कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है, प्रोफेशन है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए BCA कर रहे हैं, उसके साथ कुछ भी एडिशनल आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं। देखिए जैसे आप BPED कर रहे हैं, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, उससे रिलेटेड फिटनेस का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, डाइटिशियन का, न्यूट्रिशनिस्ट का कर लीजिए, जिम इंस्ट्रक्टर का कर लीजिए। तो ये सब क्या है, इंटर रिलेट कर रहा है। आपको लाइफ में वही चीजें करनी है जो आपके कैरियर, आपके गोल से इंटर रिलेट कर रही है। आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, आप फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है, राइट। जो भी आपका गोल है, एम है, वहां से बैकवर्ड थिंकिंग करिए कि मुझे वहां पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ेगी, उसको रिलेट करते जाइए। पूरा बच्चों क्लियर? डिजाइनिंग के बाद आ गया, एनिमेशन आ गया, डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। आप फिटनेस में भी अपना करियर बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको इवेंट मैनेजमेंट का बहुत पॉपुलर है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज। कोई भी नॉर्मल डिग्री के साथ ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, राइट। देखिए ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है डेडिकेटेड प्रिपरेशन मांगते हैं, टाइम पास नहीं मांगते हैं। तो इसमें अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो फुल आपको फोकस करके लेना पड़ेगा। जब आप ये कर रहे हैं इनके साथ ये नहीं चलेंगे क्योंकि ये भी टाइम मांगेंगे, ये भी टाइम मांगेंगे, दोनों में आप उलझ जाएंगे,
पूरा बच्चों क्लियर। अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज आप ऑप्ट करते हैं उनका लेवल बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डिग्री तो चली रही है आपकी, प्रोफेशनल भी ऑप्ट कर लिया, डिप्लोमा भी ऑप्ट कर लिया, फंस जाएंगे, स्पेशली अगर आप इतने स्टूडियस या पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, राइट। अगर ये प्रोफेशनल कोर्सेज ऑप्ट कर रहे हैं तो 100% डिवोशन टूवर्ड्स स्टडी चाहिए, राइट। बहुत टफ हैं, इजी कोई भी कोर्सेज नहीं है। सीएस को भी मैं इजी नहीं बोलूंगा, पढ़ना इसमें भी पड़ता है, चाहे आप सीएमए करें, सीएफए करें या सीपीए करें, डेडिकेटेड फुल टाइम प्रोफेशन या आपको स्टडी करनी पड़ेगी या फोकस करना पड़ेगा, राइट। चलिए, इवेंट मैनेजमेंट में आप डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज ले सकते हैं। अच्छा, डिग्री भी है, कई कई जगह बीबीए कराते हैं इवेंट मैनेजमेंट में, बीकॉम की ऑनर्स में इवेंट मैनेजमेंट होता है, वो डिपेंड करता है आप किस शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, किस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, वहां पर ये ऑप्शनल है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो आप प्लेन बीबीए कर बीसीए कर भी इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। टीचिंग में आप डिप्लोमा ले सकते हैं, राइट। अगर आप बीएड वगैरह कर रहे हैं तो इसके साथ कोई भी एक डिप्लोमा ले सकता है, एडवांस टीचिंग वगैरह का, टीचिंग स्किल के ऊपर, या फिर बीएड कर रहे हैं तो फिर टीचिंग वगैरह डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एज सच। स्टॉक मार्केट में भी आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है बच्चा लोगों, डिपेंड करता है कि आपका अगेन 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 इंटरेस्ट कहाँ है, गोल कहाँ है आपका, कितना क्लियर है अपने कैरियर के थ्रू आप, पूरा बच्चों क्लियर। तो ये थे वेरियस कैरियर ऑप्शन जो कि एक 12th कॉमर्स का बच्चा ऑप्ट कर सकता है। कॉमर्स में ढेरों हजारों कैरियर ऑप्शंस हैं, बस सिंसेरिटी के साथ आपको जो भी लाइन आपने चुनी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं गलती बताया था, क्योंकि हजारों डीएम्स आते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम में हो गया या इस मतलब वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं, सर बीबीए कर लिया क्या मैं बीएससी कर सकता हूं? नहीं, एक डिग्री जब कोर्सेज आपने कर लिया है तो दो डिग्रियां लेने का कोई मतलब नहीं है, दो सेम ही लेवल की डिग्री, ये भी अंडर ग्रेजुएट है, ये भी अंडर ग्रेजुएट है, तो दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेने का कोई मतलब नहीं है। सर मैंने बीएड कर लिया है, मैं बीपीएड कर लूं? नहीं, क्या करोगे करके, राइट। आप एडवांस लेवल जब आप एमबीए वगैरह करेंगे तो उस लेवल पे आप वो चेंज कर सकते हैं। क्या सर बीकॉम के बाद मैं एमबीए कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इन सब के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। कोई भी हो, एलएलबी के बाद भी एमबीए, बीजीएमएस के बाद भी एमबीए, हर किसी डिग्री के बाद एमबीए कर सकते हो, किसी भी फील्ड में हो एमबीए कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखिए, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।